Hey guys, welcome back to my channel and thank you so much for joining me. And thank you so much for all the awesome comments. And आज की वीडियो में हम क्या करने वाले हैं? आप लोग जो रिक्वेस्ट कर रहे हो, तो आई एम गाइडिंग फीलिंग गाइडेड टू डू दिस रीडिंग कि हम आज की रीडिंग में चेक करेंगे कि दिस क्वीन ऑफ पेंटिकल्स जो है इसके आने के पहले सुशांत की लाइफ कैसी थी. ये वाला कभी किया भी नहीं है, कभी चेक भी नहीं किया है. तो लेट्स टेक अ स्टेप बैक एंड सी हाउ द एनर्जीज वर इन हिज लाइफ बिफोर दिस लेडी एंटर्ड हिज लाइफ और देन वी विल मूव यू नो स्लोली टुवर्ड्स व्हाटएवर थिंग्स हैपेंड. तो वहां से हम शायद वी विल बी एबल टू अंडरस्टैंड हाउ द थिंग्स प्लेड आउट इन हिज लाइफ एंड ऑल दैट. ओके, सो दिस फेज इज जस्ट बिफोर दिस लेडी एंटर्ड इनटू हिज लाइफ. ठीक है, ऑलराइट. कार्तिकारे एंजल्स आर एंजल्स स्पिरिट गाइड्स माधुर केमा काली ओम गणेश आय नमः जब जब बलि माय डियर फ्रेंड्स स्पिरिट ऑफ ऑल माय डियर गार्डियन एंजल्स थैंक यू सो मच फॉर द डिवाइन गाइडेंस एंड ब्लेसिंग्स कमिंग फॉर ऑल ऑफ अस हियर टू हेल्प अस नो व्हाटएवर यू वांट अस टू नो अबाउट सुशांत्स लाइफ जस्ट बिफोर ओके सुशांत्स लाइफ जस्ट बिफोर एंटर्ड हिज लाइफ. Wow, Sushant's life was so awesome before this girl entered his life, man. यानी कि उसके लाइफ में कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी जब तक कि लड़की उनके उसके लाइफ में एंटर नहीं की थी. होली, अभी बैक ऑफ द डेक में देखूंगी क्या हो रहा है. Wow. ये सारी एनर्जीज देखो लेके वो आ रही है उसके लाइफ में. देखो उसको डराने का एनर्जी, एक एक बहुत ही बेकार सी जो उसकी पूरी की पूरी मंडली है नेगेटिव लोगों के, ड्रग पीने वाले लोगों के, नेगेटिव ऑल दीज पीपल. वो एक ये वाली सा, देखो उसके ये वाला सन का मतलब कि हिज लाइफ वाज सो ब्यूटीफुल, सन वाज शाइनिंग इन हिज लाइफ, कोई प्रॉब्लम ही नहीं था उसके लाइफ में. और ये बंदी क्या इनसाइड द डेक से देखो क्या क्या एनर्जीज उसके लाइफ में लेके आ रही है. तीनों की तीनों खराब एनर्जीज है. उसको डरा रही है, उसको धमका रही है, उसको बिल्कुल स्केयर कर दिया है इस बंदी ने. अपना नेगेटिव पूरे लोगों को लेके आ गई है, अकेले नहीं आई है, पूरे लोगों को, पूरी मंडली को लेके आई है. और यहाँ पे देखो क्या कर रही है, पूरा इमोशनल लॉस हो गया है इस बंदे को. कहाँ ये एनर्जीज देखो और कहाँ पे ये एनर्जीज, कोई कंपेरिजन है? एक नॉर्थ पोल है तो एक साउथ पोल है. सो दिस इज व्हाट दिस लेडी हैज गॉट इन हिज लाइफ. शी केम विद दिस हिडन एनर्जीज. ऑलराइट. वाह, एक फेज उनका खत्म हो रहा था. ठीक है, जब वो आई ना उसके लाइफ में तो उनका यहाँ पे भी देखो सन शाइन कर रहा है बिल्कुल. ये जो कार्ड नंबर होता है ये 19 नंबर है, ये तुम्हारा 20 नंबर है, यानी कि सन को बिल्कुल खत्म करने के लिए ये बंदी आई है. दिस इज द 19th कार्ड, दिस इज द 20th कार्ड. यहाँ पे ध्यान देखिए, दिस इज द 19 नंबर का कार्ड और इस सन को खत्म कौन कर रहा है? ये जजमेंट से दिस 20 लड़की. तो ये उसको खत्म करने के लिए बिल्कुल आई है. देखो कैसे खत्म कर रही है ये, देखो देखो ये कैसे उसने खत्म किया है उसके लाइफ को. इतना सारा गेम प्लान, पूरा का पूरा माइंड गेम, यहाँ पे पूरा का पूरा माइंड गेम है. हिज होल एजेंडा इज बीइंग प्लेड आउट हियर एंड दिस इज एट द सेंटर ऑफ द थिंग्स, सेंटर ऑफ द थिंग्स, सेंटर ऑफ द थिंग्स. नाइट ऑफ कप्स आ गया है यहाँ पे. ये वाला सिग्निफिकेटर कार्ड है, यानी कि बेसिकली ये कार्ड बोल रहा है कि उसके आने के पहले उसकी लाइफ ऐसी थी. ठीक है, और वो लेके आई है क्या, एक नाइट ऑफ कप्स है. ये नाइट ऑफ कप्स तो आपको पता ही है, यही बंदा है उसको प्लांट किया है लगता है उसके लाइफ में, कॉन्शियस लेवल में है ये. उसके पहले आने के पहले उसकी क्या है. वाह, ये तो मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि ये सारी एनर्जीज लेके वो आई है उनके लाइफ में. और विल यूज दिस डेक. ओके, दिस डेक इज गोना बी गुड.
चले यहां से कुछ कार्ड निकालेंगे. व्हाट वाज द एनर्जी ऑफ सुशांत बिफोर दिस लेडी एंटर्ड हिज लाइफ. Desert passage. They trust there is a divine plan. You are strong beyond measures. Begin new. Wow, this is beautiful, guys. This is beautiful. Finding the sanctuary, opening to your spiritual source. काफी स्पिरिचुअल हो गए थे वो समय. रिजुविनेटिंग रेन. कहीं ना कहीं आप ऐसा एनर्जी आ रहा है कि वो काफी थोड़े से ऐसा बोल सकते हैं ना कि अभी द संगीता वाज आल्सो नॉट इन हिज लाइफ फॉर लॉन्ग टाइम एंड अदर गर्ल्स हैड जस्ट बीन इन हिज लाइफ इन एंड आउट दैट काइंड ऑफ अ थिंग. तो आप बोल सकते हैं कि उनको जो वो सक्सेस वाला फेज था ये तो देखो डेफिनेटली उनका एक वो फेज दिखा रहा है जो उनका करियर का फेज था. एवरीथिंग वाज गोइंग फाइन इन हिज लाइफ, ठीक है, करियर वाइज. लेकिन कहीं ना कहीं एक इमोशनल लेवल पे आप बोल सकते हैं कि एक डिससैटिस्फैक्शन फील कर रहे थे वो, ठीक है, डिससैटिस्फैक्शन फील कर रहे थे इमोशनल लेवल पे, ठीक है. एक विड्रॉ हो गए थे वो मेन लाइफ, मेन जो लोग होते हैं ना उनसे विड्रॉ हो गए थे. और फ्रेंड्स भी जो थे कुछ ऐसा नहीं था जैसे अंकिता के साथ थे या फिर पवित्र रिश्ता के सामने एक बॉन्डिंग वाली, एक सिंपल लोग थे बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग के साथ. तो ही यूज टू फील ग्राउंडेड एंड यू नो सेफ जब आपके साथ आपके लोग होते हैं आपको सपोर्ट करने के लिए. पर यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं था, एक इमोशनल लॉस था. बट सक्सेस करियर वाइज काफी सक्सेसफुल थे बट एक इमोशनल लॉस भी कहीं था. तो इमोशनल लॉस से आप ये समझ दो जब आप इमोशनल लॉस हो जाता है तो वहां पे एक बहुत ही बड़ा सा गैप हो जाता है जो कि कोई भी आके उसको ले सकता है और उसको मैनिपुलेट भी कर सकता है, जो कि इस बंदी ने उस गैप को ही नहीं लिया बस उसको मैनिपुलेट भी किया, ठीक है. यहाँ पे देखिए डेजर्ट पैसेज आ रहा है, मानी कि दे ट्रस्ट दैट देयर इज अ डिवाइन प्लान, ट्रस्ट दैट देयर इज अ डिवाइन प्लान. यानी कि इमोशनली लॉस फील कर रहे थे, दोस्त नहीं थे, कुछ सपोर्ट फील नहीं कर रहे थे, बॉम्बे में रहते थे, काम है, देर इज नो ग्राउंडिंग, देर इज नो सपोर्ट सिस्टम. तो काफी जो मैंने बोला कि एक गैप था जिसको फिल किया है इस बंदी ने आके मैनिपुलेट करके. यहाँ पे भी देखिए वही चीज है, ग्राउंडिंग है. गो डीप, एक्सप्लोर योर रूट्स. तो एक स्पिरिचुअलिटी जैसा ऑलरेडी एक आ गया था बोल सकते हैं, ठीक है. रिजुविनेटिंग रेन, क्लियर द पास्ट, हील द प्रेजेंट. दिस इज वेरी ब्यूटिफुल. तो इसके आने के पहले, इस बंदी के आने के पहले he was feeling the emotional loss, he was feeling withdrawn, he was feeling that there is he's very alone and he felt that he needs to clear the past, jo bhi past mein hua hai he needs to clear and now he has to heal his present and move forward. jo ki maine bola ki ek emotional gap ho gaya tha jisko is ladki ne aake fill kiya but manipulatively fill kiya. kyun kar payi hai itna manipulation inko, kyunki ye emotionally एक विड्रॉल फील कर रहे थे, कोई आसपास उनके सपोर्ट नहीं था जिसको वो रीच आउट कर सकते थे. गो डीप, एक्सप्लोर योर रूट्स भी आया है और ये आया है कि वो एक रिजुविनेटिंग रेन का वेट कर रहे थे कि कोई कोई आई मीन आई जस्ट नीड टू हील माय पास्ट एंड फॉरगेट माय पास्ट एंड हील माय प्रेजेंट. इस तरह का उनका मेंटल मेकअप था. बट एवरीथिंग वॉज गुड इन हिज लाइफ, सन वॉज शाइनिंग. बट अंदर में आपका तो ये सन शाइन कर रहा है पर मून फेज में भी है. यस एग्जैक्टली. यहाँ पे देखो मून फेज में भी है. सामने में तो काफी एक सनी साइड दिख रहा था दिस बंदी के आने के पहले, एवरीथिंग वाज सनी हैप्पी डैपी. पर अंदर में जो मैंने बोला कि एक इमोशनल गैप था उनके, यू नो, तो ये देखिए मून फेज में है. और मून फेज में क्या आया है, यहाँ पे आया भी है कि क्लियर योर पास्ट, यानी कि ये पास्ट को सोच सोच के मून फेज में चले जाते थे. तो कहीं ना कहीं ये स्ट्रॉन्ग वाइब्स आ रहा है कि ये अंकिता को मिस कर रहे हैं, राइट. और जैसे कि हमने पहले वाली रीडिंग्स में देखा है कि अपने करियर को उन्होंने चूज किया था, तो आप बोल सकते हो कि एक कंपैरिजन भी हो रहा था कि वहां पे उस उन लोगों के साथ लाइफ कितनी सेफ थी, देयर वाज सो मच ऑफ फन एंड ऑल दोस थिंग्स. बट यहाँ पे वो सारी चीजें, अब उनको सक्सेस तो मिल रहा है, उनको सक्सेस तो मिल रहा है पर उनको जो वो एक
होता है ना, जो एक फैमिली वाला जो अपनापन होता है सच में, वो सब चीज अब मिस करने लगे हैं। लेकिन यही होता है, जब हमें ये सब चीज मिलता रहता है तो हम उसका वैल्यू नहीं करते हैं और हम सक्सेस को चेज करते हैं। अब सक्सेस मिल गया है, लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम ट्रू रिलेशनशिप को मिस कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखो, मून फेज में सबकॉन्शियसली वो मिस कर रहे हैं, चाहते हैं कि थोड़ी सी स्कैटर्ड एनर्जी है, आप बोल सकते हो एज इफ की यू नो देर इज अ लॉन्गिंग, देर इज अ रेस्टलेसनेस, आप बोल सकते हो रेस्टलेसनेस है, एंड देर इज अ नीड टू हील एंड मूव ऑन। इस तरह की एनर्जी को अगर आप हो तो बेसिकली कह सकते हैं कि यू आर इन द रिसीविंग फ्रेम। और अगर इस रिसीविंग फ्रेम में कोई ऐसा बंदा जिसको पता है ये सारी चीजें और वो एंट्री कर रहा है, तो आपको कंप्लीटली मैनिपुलेट कर देगा, क्योंकि उसको पता है कि वॉट यू आर गोइंग थ्रू एंड ऑल दैट। यू अंडरस्टैंड? यस फाइंडिंग द स्कैंचुरी, यस, ही वॉन्ट्स टू फॉरगेट द पास्ट एंड ही वॉन्ट्स टू हील इज प्रेजेंट। यानी कि स्कैंचुरी, कोई उसको समझने वाला का वो ऐसा कहीं ना कहीं आदमी एक्सपेक्ट करने ही लगता है कि एक स्कैंचुरी मिले उसको जहां पे वो हील हो सके, और ये बंदी ने उसी का फायदा उठाया। यहाँ पे देखो, स्टेपिंग इन टू द पावर, वो सोच रहे थे कि बहुत वीक बन लिया, अब इट्स टाइम फॉर मी टू मूव ऑन। सारा एक एक के बाद एक लिंक है अगर देखो तो। स्कैचरी भी चाहिए है यहाँ पे, देखो बहुत अच्छे से आ रहा है कार्ड, काफी अलग फील कर रहे हैं। एक इमेज देखिए, बिल्कुल डिजर्टेड इमेज है, कोई नहीं है वहां पे, बैरन लैंड है, बहुत ज्यादा धूप है, तपतपाती हुई धूप है, कोई भी नहीं है सपोर्ट के लिए, एकदम यू नो वेरी बैरन, हार्श क्लाइमेट है यहाँ पे। तो क्या है अब, क्या होता है कि फिर सोचते हैं कि नो, ऐसे तो नहीं चल सकता है, आई हैव टू स्टेप इन माई पावर, आई हैव टू बिकम स्ट्रांग। अब यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग ये बात है कि जब इस तरह का लैंड है, यहाँ पे बिल्कुल बैरन लैंड है, तो यहाँ पे क्या चाहिए आपको, रिज्यूवेनेटिंग रेन चाहिए, राइट? यहाँ पे कंडीशन से नॉर्मल ये नीड आ गया। आप डेजर्ट में हो तो डेफिनेटली आपको पानी चाहिए होता है, आपको बारिश चाहिए होता है, ताकि आप अच्छा फील कर सको। कैसे मिलेगा, पास्ट में रहने से तो नहीं मिलने वाला है ना, पास्ट में तो रहने से नहीं मिलेगा ना, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें आगे मूव करना पड़ेगा, राइट? तो वही चीज है यहाँ पे, आगे मूव करो। कैसे होगा, अपने पावर में आओगे तभी तो होगा। ताकि यानी कि अपने आप को समेट के आगे बढ़ना है हम, तो आप जब समेट के आगे बढ़ना है तो क्या होना है, आपको बिगिन नाउ करना है, आपको यू हैव टू गेट स्टार्टेड। इसीलिए ये बंदी के साथ ही गॉट स्टार्टेड, क्योंकि आप देख रहे हो कि ऐसा नहीं था कि ही वॉज मोर इंटरेस्टेड इन दिस लेडी, बट उनका अपना जो इस तरह का सिचुएशन हो गया था ना, उसके कारण ये बंदी उनको मैनिपुलेट कर पाई। यू अंडरस्टैंड? ये हुआ था, जो बोलते हैं ना कि आप अंदर से वीक हो जाओ तो कोई भी आपको यूज कर सकता है, वो वैसे करके। तो ही वॉज लुकिंग फॉर अ स्कैंचुरी एंड लकीली दिस लेडी जस्ट कुड मैनिपुलेट हिम। तो ये उनका, ये मैंने आपको मनस्थिति बताया, ये पूरा जो मून फेज से वो जा रहे थे, इमोशनल लॉस था, लोग नहीं थे उनके पास, फ्रेंड्स नहीं थे, ऑल दोस थिंग्स, वो चीज मैंने एक्सप्लेन किया। तो ये चीज जानना बहुत इंपॉर्टेंट है टू अंडरस्टैंड कि व्हाई सच अ स्ट्रॉन्ग पर्सन, सच अ मैवरिक, सच अ इंटेलिजेंट पर्सन गॉट सकम्ब टू दिस लेडी हु इज एब्सोल्युटली फिजेडी। हालांकि फिजेडी तो खैर क्या होगी, वो बहुत कनिंग है, बट दिस इज द होल आइडिया, यू शुड अंडरस्टैंड वो उस किस तरह की फेज से जा रहा था। अंडरस्टैंड? ओके, ऑल राइट। तो मैंने अब यहाँ पे देखो, ये वही चीज है जो मैंने अभी आपको पूरे डिटेल्स में एक्सप्लेन किया है, इनके इन्वायरमेंट में क्या था। इन्वायरमेंट में बिल्कुल वो ट्रैप्ड फील कर रहे थे, और ही वॉन्टेड टू गेट अनट्रैप्ड एंड मूव फॉरवर्ड, जो है ना कि डेजर्ट पैसेज है। ही वॉज लुकिंग फॉरवर्ड टू अ रेन टू वॉश ऑफ हिज पास्ट, वॉश ऑफ हिज हर्ट, हील हिम, हील हिज सोल, मूव फॉरवर्ड, गेट ग्राउंडेड। ये सारी चीजें जो मैंने आपको इस कार्ड में बताई, ये वही सिचुएशन है। ही वॉज फीलिंग ट्रैप्ड इन हिज पास्ट एंड हिज होल सर्कमस्टेंस, एंड ही वॉन्टेड टू मूव आउट ऑफ दिस। सो ये उल्टा आया, ही वॉन्टेड टू मूव आउट ऑफ दिस टाइड स्टेट। तो ये उनके इन्वायरमेंट में था, ही वॉन्टेड टू गो आउट, ही जस्ट ही वॉज रेडी फॉर इट। एक गैप को फिल करने के लिए, उसको मूव करने के लिए, बिगिन करने के लिए रेडी थे, नो दैट। बट ही वॉज ऑल्सो वेरी कंफ्यूज, ओके, ही वॉज वेरी कंफ्यूज, क्या करे नहीं करे, पास्ट में मे बी अंकिता के पास चले जाए। काफी काफी कंफ्यूजन है यहाँ पे, काफी हेड में है अगर देखो तो। सोर्ड का कार्ड है, हेड में है, बहुत ज्यादा दिमाग काम कर रहा है, सोच रहे हो, और जब ज्यादा सोचते हो तो क्या होता है, टेंशन,
शैडो साइड एंड ऑल दोज थिंग्स। इसीलिए हम बोलते हैं कि क्या करो, आप नेचर में जाओ, अपने दिमाग से बाहर निकलो, अपनी स्कैटर्ड एनर्जीज को काम करो, ग्राउंडिंग करो, ये सारी चीजें। और यहाँ पे देखो ग्राउंडिंग का कार्ड यहाँ पे आया ही है, ग्राउंडिंग का कार्ड है ये। एंड ग्राउंडिंग एंड यहाँ पे देखो ये काफी अपने हेड में है, सोर्ड के कार्ड में भी है, मून फेस से भी है। तो यानी कि क्या हो रहा है, आप देखो इमोशंस भी काफी ऊपर नीचे हो, इमोशंस ऊपर नीचे नहीं है बट इमोशनल लॉस है और दिमाग में काफी सारे सवाल हैं। तो उससे उसको एंड करने के लिए आप बोलो कि वो ही वॉज रेडी टू मूव ऑन। यहाँ पे भी वो बहुत ब्यूटीफुल कार्ड है। यहाँ पे देखो उस बंदी के आने के पहले उनके करियर में सब चीज अच्छा चल रहा था, फाइनेंस भी अच्छा चल रहा था, आई थिंक उनकी मूवी कुछ हिट हुई थी, वो सब चीज अच्छा चल रहा था, कोई प्रॉब्लम ही नहीं था। आई थिंक दिस इज अ न्यू मूवी दैट वाज अ हिट, ओके, जस्ट बिफोर शी केम, दिस इज अ न्यू, उनको एक नया सक्सेस फिर से मिला था जिसके कारण उनका सन और भी शाइन हुआ था, ठीक है। बट दिस इज ऑल करियर फ्रंट। यहाँ पे भी देखो क्या हो रहा है कि अब क्या हो रहा है, सेलिब्रेशंस तो हो रहे हैं क्योंकि यहाँ पे सन भी शाइन कर रहा है, यहाँ पे न्यू सक्सेस भी मिला है, मनी भी आ रहा है, हर चीज करियर वाइज इज हैप्पी डैपी शाइनिंग। सेलिब्रेशंस क्यों नहीं हो रहा फिर? और जब ये सारी चीजें हैं तो सेलिब्रेशंस होना चाहिए ना, पर ये सेलिब्रेशंस में सेलिब्रेशंस तो हो रहा है ओके, बट मन क्यों नहीं लग रहा सेलिब्रेशंस में? मन इसीलिए नहीं लग रहा है क्योंकि यहाँ पे इतनी सारी चीजें चल रही है ना, सबकॉन्शियस में पूरा मून एनर्जी है, एनवायरनमेंट में ट्रैप्ड फील कर रहे हैं, दिमाग कुछ डिसाइड नहीं कर पा रहा है ओके? तो ये सारी चीजें उनके चल रही थी, बैलेंस करना चाह रहे थे अपने लाइफ को, वर्क लाइफ बिल्कुल बैलेंस चाह रहे थे क्योंकि काफी शायद उस समय वो अपने करियर पे ही फोकस थे, क्योंकि इमोशनल लेवल पे कोई और फैमिली लेवल पे और रिलेशनशिप लेवल पे काफी एक हॉलोनेस था, काफी एक वॉइड था बड़ा सा, जिसको जिसके कारण वो फील भी करते थे, इट वाज लाइक फीलिंग वीक, दैट वाज मेकिंग वीकनिंग हिम। तो वो चाहते थे कि अपने लाइफ को थोड़ा बैलेंस कर लें, ठीक है बहुत हो गया जो भी किया हर चीज है, लेट मी ब्रिंग बैलेंस इन माय लाइफ। तो अब देखो ये वाली एनर्जी उनकी क्या है, जस्ट रिया के दिस लेडी के आने के पहले की है, कैसी एनर्जी है, दैट ही वॉन्ट्स टू हील, ही वॉन्ट्स टू मूव अहेड, फॉरगेट द पास्ट, एक इमोशनल लॉस है, लोग नहीं है जो पहले लोग सपोर्ट करते थे, वो सब चीज नहीं है, करियर सब चीज ठीक ठाक चल रहा है, नो प्रॉब्लम, सेलिब्रेशंस भी हो रहा है पर सेलिब्रेशंस में कुछ इंटरेस्ट नहीं है, मैंने हॉलो लग रहा है, सक्सेस इज हॉलो। अब क्या होता है, ट्रैप काफी इनडिसाइसिव है, समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करो, एक तरफ सक्सेस तो मिल रहा है करियर में, सब चीज अच्छी चल रही है, पर लाइफ बिल्कुल, पर्सनल लाइफ बिल्कुल बेकार हो गई है, कुछ है ही नहीं वहां पे, कुछ खुशी नहीं होती है, सेलिब्रेशंस है पर कुछ खुशी नहीं है, ट्रैप्ड फील कर रहे हैं। अब देखो ये क्या हो गया कि पूरा स्टेज जो है सेट हो गया है किसी के भी आने का, एंड ही इज रेडी टू टेक ऑन। तब क्या होता है, जब व्हेन यू आर प्रिपेयर्ड टू टेक ऑफ एंड यू मीट द अपॉर्चुनिटी, यू जस्ट गेट स्टार्टेड, यू जस्ट फ्लाई ऑफ। और यहाँ पे क्या हुआ, ये बंदा बिल्कुल रेडी था फॉर अ चेंज और वो बंदी आके, एंड दैट इज द रीजन शी वॉज एबल टू मैनिपुलेट हिम सो मच, यूज हिज इमोशनल वीकनेस लॉस टू गेट हर थिंग्स डन, समझ रहे हो आप? तो ये सारी चीजें होती हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट रीडिंग में चेक करेंगे कि उसके आने के बाद क्या होता है, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज, डू लेट मी नो वॉट यू फील अबाउट द रीडिंग एंड आई विल सी यू अगेन, टेक केयर, बाय फॉर नाउ।